बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग चुका है और बीजेपी ने कांग्रेस के घर में, समझो राहुल गांधी और सोनिया के घर में सेंध लगा दी है। और सबसे बड़े दिग्गज नेता, जाने माने नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोनिया गांधी के घर में सेंध लग गई है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं टॉम वड़क्कन भाजपा में शामिल हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में कांग्रेस नेता और प्रवक्ता टॉम वड़क्कन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोकसभा चुनाव जो अब ऐलान हो चुका है और जो अभी चुनाव आचार संहिता लागू है, पहले दौर का मतदान भी कुछ समय बचा है, एक महीने से कम का वक्त बचा है, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका लग चुका है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और पूरा परिवार ये जोर लगाया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाएं, लेकिन उनके पार्टी के लोग और उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सेना के खिलाफ बयान दिया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए जिस तरीके से सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो उसके बाद ऐसी पार्टी में रहना मेरे लिए असंभव था, इसलिए मैंने राष्ट्र को प्रथम रखते हुए कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, तो माना जा सकता है कि कैसा झटका लगा हुआ है राहुल गांधी को। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी बंगाल में बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के बहुत करीबी विधायक अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये बहुत बड़ा झटका है। पहले ही पश्चिम बंगाल के बोलपुर संसदीय सीट से तृणमूल सांसद अनुपम हाजरा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अर्जुन सिंह भाटवारा से विधायक हैं और भाटवारा में उनकी बहुत बड़ी अच्छी पकड़ है और लगाया जा सकता है कि वहां से वो शायद बीजेपी से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी को और केरल से कांग्रेस को। तो पूरे देश में आप हवा का रुख देख सकते हैं, किस तरफ लोग, नेता लोग जा रहे हैं और वहीं हवा जा रही है। तो ये बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए भी। आने वाले दिनों में और तमाम नेता पाला बदल सकते हैं, जिस तरीके के कांग्रेस के पार्टी के राहुल गांधी जिस तरीके से रवैया, जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच जाते हैं तो जब जनता सवाल करती है तो फिर कांग्रेस के नेता उनके पास जवाब नहीं होता। इससे बचने के लिए कांग्रेस नेता सारा कांग्रेस का जो नैया डूब रही है उससे छोड़ रहे हैं कांग्रेस। तो ये बहुत बड़ा झटका है। जो पब्लिक ओपिनियन है वो देख सकते हैं किस तरीके से जनता के साथ, जनता के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, लोग किस तरीके से अपना विचार रखते हैं, वो आप हमारे इस आगे के वीडियो में देखिए। मोदी जी ने भी स्ट्राइक रेट करा था, वो बहुत अच्छा है कि आतंकवाद को सबक सिखा दिया, पहला प्राइम मिनिस्टर जो आतंकवाद को सबक सिखाया। तो मोदी ये विपक्षी पार्टियां जो है उनको क्लेम वो कर रही थी कि भाई सबूत लाओ, और ये उनको शक कर रही थी, सेनाओं को शक कर करते हैं। आजकल कोई कौन शक नहीं करता, सब शक करते हैं, सेना भी शक करेंगे सब। सर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जाता है 12 घंटे ड्यूटी करता है, उसकी वाइफ भी शक करती है, तो वो तो एग्जांपल है ही, शक तो करते ही सर। जैसे मेरा मानना ये है कि योगी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है यूपी में, तो कैसे लग रहा है आपको? मेरा मानना ये है कि ये सब बेकार है, योगी जी के सामने सब फीका है। सर हम यूपी से हैं, हम तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से आएगी। केजरीवाल तो ऐसे उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं, इनमें क्या सही है? अभी इन्होंने एक योजना चलाई है जिसमें कि आम आदमी पार्टी की बीजेपी ने दिल्ली में 30 लाख वोट कटवा दिए हैं, उन्हें केजरीवाल जुड़वा रहे हैं, ये सब दो नंबर काम करवा रहे हैं, आदमी इनको पागल बना रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, सबसे बढ़िया बीजेपी सरकार है, अपनी बीजेपी आनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो गाजियाबाद में। हमने देखे बहुत से कॉल सेंटर चल रहे हैं, उसमें बता रहे हैं केजरीवाल जी ने मोदी ने 30 लाख वोट कटवा दिए हैं, उन्हें केजरीवाल जी जुड़वा रहे हैं, और जब जुड़ जाएंगे आपको बता देंगे, आपको कॉल करेंगे, ये
सब इंसान को भड़काने के लिए है कि बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। कहाँ रहते हो बेटा? गाजियाबाद में रहते हैं, पर हम दिल्ली में, नोएडा में हमारे कॉल सेंटर है, जैसे हम जॉब भी करते हैं कहीं भी हमारी वैकेंसी, वैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम जाके पता करते हैं। जब भी ये सब दो नंबर काम चल रहे हैं, पेपर भी छपते हैं, कॉल भी आते हैं एक दूसरे की। तो अभी जो है योगी सरकार कैसा काम कर रही है, क्या संतुष्ट है आप? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब चाहे हमारी कोई बहन बेटियां बाहर जाए उनके लिए शौचालय का प्रयोग करें, अब गाँव को शहरों को सफाई के लिए कि हमारा देश सूखो, कोई बीमार ना हो इंसान, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। पढ़ने के लिए बच्चे को टीचिंग और स्कूल खुलवा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में भी अच्छी अच्छी सुविधा करवा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी बीजेपी सरकार को ही वोट आएगी, हमें पक्की उम्मीद है। ये समाजवादी और जो अन्य पार्टियाँ ये सब पार्टी बेकार हैं, इन पार्टियों का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार है, मोदी जी भी सबसे बढ़िया, बीजेपी हमारी सरकार यही आएगी। अब कभी महागठबंधन जो हो रहा था, सारी पार्टियां मिल करके जो है ना एक तरफ एक मिल करके, और ये मोदी को जो है मोदी सरकार को ब्लेम कर रही थी, तो क्या कहना है आपको? ये सब बेकार के हैं, ये अपने गठबंधन करके अपनी सरकार लाने चाहते हैं जिससे कि बीजेपी सरकार हट जाए, पर बीजेपी सरकार हटने की नहीं, सबसे अच्छा काम करा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मोदी आए नहीं, कि बीजेपी सरकार आए नहीं, कि हमारा गठबंधन हो के हम कोई सी एक सरकार बन जाए जिससे बीजेपी सरकार आ नहीं पाए। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है हमारे देश में। जब ज़्यादा संख्या तो मोदी जी उनके लिए रोजगारी कर रहे हैं, अगर जो बच्चा पढ़ना चाहेगा उसके लिए पढ़ने के टीचिंग है, उसके लाइफ के टाइम उसके तरह तरह की जॉब भी है, जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहेगा उस टाइप की जॉब भी है, अगर करना चाहेगा जब तो है, अगर वैसे घूमने चाहेगा तो बेरोजगारी तो रहनी है। अब जब कोई कुछ काम ही नहीं करना चाहेगा तो बेरोजगारी तो रहेगी। अब बिगर पढ़े लिखे जो मिल जाएगी, अब पढ़े लिखे जो मिल रहे हैं उन्हें उसके अगर इंटरव्यू देंगे, अगर उन्हें नॉलेज नहीं है, कोई बीकॉम कर रहा है बीकॉम तक की उसे नॉलेज नहीं है, उसे दसवीं तक की नॉलेज नहीं है, तो उसे क्या जॉब मिल जाएगी उसकी लाइन की? अब तो संभावना यही है कि जहां गठबंधन हो रहा है वहां कुछ ना कुछ तो बीजेपी पे फर्क जरूर पड़ेगा जी। और जहां तक मेरा मानना है, हमारे यहाँ की जो लोकसभा सीट है अब वो तो 100% जाएगी बसपा के खाते में जाएगी, वो वहाँ से बसपा का प्रत्याशी उतार रही है। बहुजन समाज पार्टी में बिल्कुल कुछ नहीं काम किया है, हमारे आधे गांव में 30% शौचालय बने। मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर को शौचालय मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और वो दिखा रहे हैं कि रोजगार रोजगार, कहाँ रोजगार मिल रहा है? आज हम 4 दिन से यहाँ दिल्ली में घूम रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं मोदी जी। इतने लोग रोजगार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं मिली? अभी मेरे पास बायोडाटा है, ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ कैमरे के सामने। और माननीय सांसद जी ने धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से सांसद हैं, तुम आज तक क्यों नहीं लगे नौकरी पे? तो भैया तो चलो 4 साल पहले थे, तुम्हारी उम्र क्या है अभी? किसकी? तुम्हारी? मेरी 93 है, 9/10/1993। कितना एज हो गया? 26। 26 साल में जो है, ये तो 4 साल पहले आई जो है योगी सरकार, उससे पहले तो पहले जब जरूरत नहीं थी, जरूरत आज है तो आज आए। तो आज आए तो नौकरी तो इतने जल्दी थोड़ी होती है, ये आप तुम सारे ब्लेम कर रहे हो कि ये बीजेपी नहीं। आपका क्या कहना है? हम तो बस यही कहेंगे कि ये सरकार अच्छी है। ये कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिला, 26 साल हो गए। आप 26 साल मिलेगा ना, टैलेंट होना चाहिए तभी तो नौकरी मिलेगा, ऐसे घर थोड़ी ना मिल जाएगा नौकरी। तो आप क्या लग रहा है आपको जो है ये चुनाव दोबारा से भी मोदी जी आएंगे? आप कहाँ से कहाँ रहने वाले हैं? हम सहारनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश सहारनपुर। तो क्या लग रहा है आपको योगी सरकार में जो है अभी करप्शन और गुंडागर्दी और ये तमाम जो है जो बुनियादी चीज़ें हैं तो उसमें कुछ कम हो चुका है? ये सब बंद हो चुका है, सारे जितने गुंडे थे सब भाग गए, उत्तर प्रदेश ही छोड़ के भाग गए वो, और दोबारा से अगर प्रधानमंत्री मोदी बन गए वो देश ही छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब गठबंधन वैसे ही दिखावटी कर रहे हैं, इनको ये तक नहीं मालूम कि पीएम कौन बनेगा। साला स्टेटमेंट भी ऐसे देते हैं लोग कि लिख लिख के तो स्टेटमेंट देते हैं, इनको क्या पीएम बनेंगे? पहले तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, इनका जो है विचारधारा ही नहीं मिलती है एकदम। आप क्या क्या कैसे समझौता हो गया, क्या लगता है आपको इन सब का पीछे? बस ये सब ऐसे ही कर रहे हैं ड्रामा। बताओ भैया तुम्हारे, ये तो आपस में लड़ते थे, इनका लड़े या कुछ भी करें, फिलहाल मुझे क्षेत्र विकास की बात कर रहा हूँ। विकास अपना भाई मेरे, मुझे आपसे कोई वो शिकायत नहीं है ना मोदी जी से शिकायत है। आप मेरे क्षेत्र में चल के देख लीजिए, ये तो गाजियाबाद है, आप बदायूं शहर के अंदर आइए जो कि बदायूं से। अभी 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 देखो सुनो, पार्टी उसे नवा दो, आप जो है ना वो मत वो
मत करो, ये देखो लेकिन सुनो विकास से, सुनिए अच्छा विकास से ठीक है, आप लेकिन आप ये बताओ आप बदायूं के अंदर जो भी सांसद रहे ऐसी वैसी पार्टी नहीं रही है, बहुत अच्छा बदायूं के गिनती तो बताओ, एक आध नाम तो लेके दिखाएं कि ये विकास हुआ है, कुछ तो बताएं, एक दो तीन चार, कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से हूँ सर। क्या 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 विकास? एक भी विकास तो बताए कोई, कुछ भी नहीं करा है विकास, सिर्फ बातों के अलावा बताइए बीजेपी ने क्या करा है, बताइए क्या करा है, कुछ नहीं करा। जो एक सिस्टम तैयार है उसमें ये बैठे आके इन्होंने जो ना राजनीति शुरू कर दी है, बताइए क्या विकास करा है। हम गाजियाबाद में रहते हैं, कोई स्पेशल विकास एक भी बताऊं? सड़कें हैं, सड़कें बनती चली आ रही हैं, कहीं टूट रही हैं, कहीं बन जाती हैं, बसें चल रही हैं, बसों में लोग आज भी आते हैं कल भी आते हैं, मेट्रो जो ना इनसे पहले जो ना उसका उद्घाटन वो शिलान्यास हुआ था, इनके समय में आज उद्घाटन हो गया, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो तो मतलब किस विषय पे वोट दी जाए बीजेपी को, कोई विषय नहीं है इनका, कोई आधार? चलो तो इस किसको वोट करेंगे हम? तो कांग्रेस को चाहते हैं कि जो ना बदलाव आना चाहिए, बदलाव चाहते हैं, बदलाव जरूरी है, क्योंकि जब भी थोड़ा सा जो ना समझ में आती है कि हमने कुछ नहीं किया तो जनता ने बदल दिया, तो समझ में जब भी आती है। आप इनका तो कम से कम 70 साल से, तो ये 60-65 साल से इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये इतना जो खड़ा हुआ है सब कुछ खड़ा है, ये ऐसा नहीं है कि 4 साल में 5 साल में बीजेपी ने सब कुछ खड़ा कर दिया। ऐसा नौबत क्यों आ रही है इनको कि ये सब महागठबंधन अपने बलबूते अपने बलबूते पे क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, महागठबंधन का एक जो ना, अब हर पार्टी को इस टाइम एक परेशानी है, क्योंकि स्टेज वाइज जो ना अपनी अपनी पार्टियां मजबूत हैं, इसलिए गठबंधन तो मजबूरी बनी हुई है, बीजेपी की भी मजबूरी है, बहुत सारे राज्यों में आज भी सरकार 40 पार्टियों से गठबंधन में, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा नया काम कर दिया कांग्रेस ने कि जिसके लिए एक विचार में या कोई जो ना गहराई से सोचे जाता, ये ऐसा नहीं है सर। अपने चुनावी लाभ लेने के लिए कुछ जो है बयानबाजी जो है इस तरह से कर लेते हैं, क्या कहना है आपको जो है ऐसे इस टाइप की बयानबाजी करते हैं कि जो ये अशोभनीय होती है, जैसे कि सर्जिकल? ये बहुत देश के लिए बहुत खतरनाक है, देश के लिए बिल्कुल हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है इस तरह की बयानबाजी, देश के हक में नहीं, विचारधारा पे बांट देना, धर्म के नाम पे बांट देना, अजय में नहीं। कल सर्वे देखा हमने, 40% लोग ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा पे जो ये इन्होंने राजनीति की है, हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह वगैरह, ये ठीक नहीं है देश की। वो तो ये तो हवा बनाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए वो देखो कांग्रेस भी जो है अनावश्यक जो है बयानबाजी कर रही है, क्या कहेंगे आप जैसे कि माने आतंकवाद के मुद्दे पे? नहीं, कांग्रेस देखो विपक्ष का सवाल उठाने का हक बनता है। देखिए सेनाओं पे तो सख्त तो विपक्ष उठाएगा ही उठाएगा, सेना पे भी सवाल उठाएगा। नहीं, सेना पे तो उन्होंने कोई आज तक उंगली शायद मेरी नज़र में, तो मैंने तो स्पीच बहुत सुनी है, मैंने खबरें भी बहुत सुनी है, देश की रक्षा के लिए सरकार बदलेंगी, सेना हमारी नहीं बदलेगी, सेना वही रहेगी। एयर स्ट्राइक पे तो इन्होंने शक किया कि भाई तुमने जो काउंट करना, देखो एयर स्ट्राइक जो की है वो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्राइक कर दी है, सही है, कोई भी सरकार हो अपने देश पे अगर कोई परेशानी आती है, अगर कोई एक्शन लेते हैं तो लेना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेना चाहिए, कोई भी मौजूदा सरकार हो लेगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने युद्ध भी लड़े हैं, ऐसा नहीं है कि जो ना पहली बार एक छोटी सी स्ट्राइक करने के बाद में सारा सिर जो ना देश का जो ना पूरा बीजेपी के सर रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। इकहत्तर में जो ना इकहत्तर के बाद कई सुनिए इकहत्तर के बाद युद्ध था लेकिन उसके बाद जो है कई घटनाएं घटी है जिसमें इनोसेंट लोग मारे जाते थे और उसमें एक्शन नहीं हुआ, जैसे इतना बड़ा जो है मुंबई में। देखो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा है ये खत्म होना चाहिए, और अगर स्ट्राइक से कुछ प्रेशर होता है, स्ट्राइक से कुछ रुकती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि उसमें राजनीति उठाएं, देखिए राजनीति ना हो करके एकजुट होकर के जो है वो करें। नहीं, अब तो इलेक्शन है, अब इलेक्शन है, राजनीति तो 101% करेंगी, सभी पार्टियां करेंगी, इसमें कोई बुरी बात मानने वाली है ही नहीं। तो आपकी पार्टी को कितना मैं पार्टी से बिलोंग नहीं करता सर, किसी से मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी में तो एक जर्नल बात करिए देश के हित में, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में, ना हमारे परिवार से कोई पार्टी में ज्वाइंट है, ना हम कांग्रेस के सपोर्टर ना बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो एक जनरल बात है देश के हित में वो करी जा रही है, जो देख रहे हैं जो मौजूदा हालत अभी नहीं, उस आप कांग्रेस को कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उसके वो बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, उसका नंबर हटाना तो एकदम ठीक नहीं है ना, देश के लिए बहुत कुछ करा कांग्रेस ने भी, ऐसा नहीं है कि सारा मामला भाई 100% मोदी नहीं, देश को पब्लिक हटाती है आपको, वो एक पब्लिक का विचार है, अपने अपने ख्याल है, हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर आदमी को जो योगी जी कैसे काम कर रहे हैं आप बताइए। देखो अभी तो कोई खास नजर आ नहीं रहा योगी जी का मामला, कोई अभी तो कोई खास उन्होंने विशेष नहीं करा है,
कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कोई अलग में कोई ऐसी जो स्कीम लाए हों जो गरीब और रोजगार में बढ़ोतरी मिले, नौकरियां मिलें। मेन मुद्दा ये है सर, नौकरियां मिलनी चाहिए। नौजवान बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को इतना जल्दी इतना उद्योग बंद हो गए। ये GST जब से लगी है, छोटे उद्योग देखो आप भी हैं, आप तो हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं काशी में, आप हजारों लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, बेरोजगारी देखो कितनी बड़ी है। टैक्स तभी लगते थे जब हम कोई भी सामान लेते हैं, GST जो लगाया तो उसका थोड़ा सा ठीक से नहीं लगाया GST को। इसमें ये लग रहा है कि 100% जो मोदी जी जीतेंगे और जीतने भी चाहिए, उन्होंने जो भी करा अच्छा ही करा है। और हमारे देश के अंदर ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा जैसे मोदी जी हैं। योगी जी जो कर रहे हैं, क्या नाम है, मोदी जी के कहने पर ठीक ठाक कर रहे हैं बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है योगी जी की, बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप ये बताइए, जो जो ये गठबंधन बन रहा है, ये महागठबंधन देश के अंदर में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये महागठबंधन जो है ये तो बेवकूफ़ी के काम है। गठबंधन वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं और जो क्या नाम है अपने पर्पस पे काम करेंगे, ऊपर वाले का नाम लेकर करेंगे, सच्चाई के साथ करेंगे, उन्हें गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मायावती और ये अखिलेश यादव का जो गठबंधन बन रहा है, उसमें ये इनके तो विचार नहीं मिलते थे, अभी क्या क्या हुआ इनको कि कैसे बनाएंगे ये? अब ऐसा है, ये क्या नाम है, अब सब बेकार हो रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है, तो ये क्या नाम है एक दूसरे का गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है मोदी जी की सरकार के सामने कमज़ोर हो चुके हैं, इनके बस की नहीं है अब कुछ करना, इसलिए एक दूसरे का गठबंधन कर रहे हैं ताकि क्या नाम है हम हमारे वोट हुए और इस पार्टी के दूसरी पार्टी के वोट हुए सारे मिल करके क्या नाम है हम एक गठबंधन बना करके हम जीत जाएं। जिस कोशिश को ये कर रहे हैं वो कोशिश पूरी नहीं होने की है, क्योंकि पब्लिक जो है सब समझती है कि क्या है क्या नहीं है, हकीकत क्या है क्या नहीं है। देखिए अभी जो सरकार ने एक स्टेप लिया था, आतंकवादी जो अड्डे हैं पाकिस्तान में नहीं मान रहा है, कई प्रयास किए हैं, तो उस पर जो है ना एक एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, तो वो विपक्ष पूरा विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो है सबूत चाहिए हमको, क्या संभव हो सकता है सर कि भाई वहाँ एक तो रात को जो है चकमा दे करके वहाँ जो है एक्शन लिया और उसके बाद जो है काउंट करो वहाँ पे कितने कैजुअल्टी हुए, ये संभव हो सकता है? क्या कहना है आपको विपक्ष हो इस तरह से बोल रहे? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो विपक्ष पार्टी जो ऑब्जेक्शन उठा रही है ना कि वहाँ पे वहाँ की वीडियो दिखाओ हमें, वहाँ पे 250 लोग मरे भी हैं या नहीं मरे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो क्या नाम है वो पार्टी को बदनाम करने का, ताकि हकीकत यही है जो काम करें बिल्कुल जेन्युइन करें हैं मोदी जी ने, और स्ट्राइक भी करी और क्या नाम है सब कुछ करा, और पाकिस्तान भी आज क्या नाम है पहले तो नहीं हुआ कुछ भी, बिल्कुल सिलेंडर है पाकिस्तान, लड़ाई करना भूल जाएगा, सोचता है 10 बार मोदी जी हमारे देश में फिर दोबारा प्रधानमंत्री आएंगे और क्या नाम है पाकिस्तान लड़ाई करना ही भूल जाएगा। कितना सीट आएगा मोदी जी का, ये बीजेपी का कितना सीट आएगा? बीजेपी का 100% सीट आएगा, पूरे भारत के अंदर 100% सीट आएगा बीजेपी का। देश के अंदर क्या नाम है मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ना कभी आए हैं ना कभी होंगे।